Hello, my latest stop is a place called Lallapura, जो वाराणसी नॉर्थ में आता है, वाराणसी नॉर्थ में. और मैं हूँ अभी एक कुछ जो हमारे जो लोकल बुनकर हैं उनके साथ हूँ. आप देख सकते हैं ये अभी साड़ी बुनी जा रही है सिल्क की यहाँ पे, तो इनके साथ हूँ. चूँकि इनका वोट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस इलेक्शंस में, वो इसलिए कि जो नोट बैन है, जो डिमोनिटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उसका सबसे ज़्यादा असर इन्हीं लोगों पे पड़ा है. तो आइए इन लोगों से अभी बात करते हैं और देखते हैं कि इनका वोटिंग पैटर्न इस मरतबा क्या होगा, बिकॉज बहुत साइजेबल कम्युनिटी है बुनकरों की यहाँ पे और ये काफ़ी डिसाइसिव होगा इस मरतबा के इलेक्शन में. तो आइए इन लोगों से बात करते हैं. कुछ हमारे साथ बैठे हुए हैं. आप बताइए, पीछे आप कहाँ चले गए, आपका नाम क्या हुआ? खालिद अंसारी. तो क्या है इस मरतबा, किसकी हवा है यहाँ पे? देखिए, इस समय तो जो है हम लोग गठबंधन को जो है जिताने का प्रयास कर रहे हैं. अच्छा, गठबंधन का मतलब अब्दुल समद साहब जो है यहाँ पे. अच्छा, क्यों उनको क्यों जिता रहे हैं? क्योंकि हम लोग वैसे ही समाजवादी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं. अच्छा, दोनों एक साथ हो गए इस वजह से ही दे रहे हैं. अच्छा, आप अभी जो मैं पूछ रहा था कि आप लोगों का यहाँ पे जो बुनकर फैक्ट्रीज हैं पूरे इस इलाके में, और वाराणसी जो है बुनकर के लिए माना जाता है, तो इस जो नोटबंदी हुआ था उसका कुछ असर पड़ा आप लोगों पे? बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ा. क्या पड़ा? इतना ज़्यादा असर उसका पड़ा कि हम लोग समझ लीजिए भुखमरी के कगार पे आ गए. सालों बाद हम लोगों का पूरे 50 दिन बंद था. अच्छा, क्योंकि ना धागा वाला धागा दे रहा था, ना बाना वाला बाना दे रहा था, सबको नोट किए. अच्छा, और पुराना नोट कोई ले नहीं रहा था. राइट. अच्छा, आप यहाँ पे बताइए क्या है, क्या इस मरतबा किसको वोट दोगे? इस मरतबा देखिए कांग्रेस को जिताएगा. कांग्रेस को मिजाज बनी हुई है हम लोग की. कांग्रेस को मिजाज बनी हुई है, कांग्रेस के मिजाज बनी हुई है कि सपा और वो सब कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर ली है. ऐसे भी हम लोग पुराने कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो इस समय मिजाज उसी पर पड़ रहा है. तो 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें किसको वोट दिया था? 2014 में ये इलेक्शन हुआ था तो केजरीवाल की हवा बहुत बहुत एकदम आंधी की तिरी आई थी, तो लोग की मिजाज उसी पर पड़ी. अच्छा, तो हम लोग भी उसी को वोट दिए थे, लेकिन अब उसकी कोई हवा नहीं है, इसीलिए हम लोग कांग्रेस को वोट दे रहे, वोटिंग करेंगे. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. ये बताओ, आप बताओ कि आप वोट डालोगे इस मरतबा? जी. तो क्या क्या मुद्दा क्या होगा, वोट क्या डालोगे तो मुद्दा क्या होगा इस मरतबा? मुद्दा यही होना चाहिए सबका साथ सबका विकास. सबका साथ सबका विकास, तो मतलब मोदी को वोट डालना है? जी. जब सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी का नारा है. अच्छा, तो सारे कांग्रेसी सपोर्टर्स हैं यहाँ पे? हाँ, सपोर्ट में कोई नहीं है सर, लेकिन हालात हम लोगों के साथ मजबूर है, क्योंकि कुछ बुनकरों की समस्या अगर किसी ने समझा है तो समाजवादी और कांग्रेस ने समझा है. क्योंकि हम लोगों का ये पावर लूम जो चलता है 65 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, ये योजना मुलायम सिंह और मनमोहन सिंह की तरफ से. अच्छा, जिसके वजह से अभी हम लोग कुछ खा पी ले रहे हैं, वरना एकदम समझ लीजिए कि इसमें कुछ भी नहीं है. तो मनमोहन सिंह के अभी तक जो उन्होंने किया था वो आपको याद है? बिल्कुल. क्या किया था उन्होंने मनमोहन सिंह ने? जो बुनकर कार्ड हम लोगों का इश्यू हुआ, हाँ, 65 रुपया प्रति महीने के हिसाब से बिजली, उसी के लाभ की वजह से हम लोग अपना मसीह चला पाते, वरना नहीं चला पाते. अच्छा, और मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ये तो उनका क्षेत्र है मोदी जी का. मोदी जी के बारे में क्या वो बताए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मालिक उनको नेक समझते. जो कब्रस्तान और शमशान को बनाने की बात कर रहे, जो जीवित है उसको पहले बनाने की बात कर, बाकी लोगों से आप इंटरव्यू ले. अच्छा, आप बताइए जी, वोट डालोगे इस मरतबा? वोट डालोगे? क्यों नहीं वोट डालेंगे? पहली मरतबा डालोगे? नहीं, दूसरी बार मरतबा. तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 20 साल. तो पहले कब बार दो, 18 साल में वोट डालने का होता है तो पहले कब डालनी? पहले डाला था, 15 साल में मेरा वोट आ गया था. अच्छा, 15 साल में आ गया? 15 साल में कहाँ वोट आता है? मेरा तो कम क्या करें. अरे, तो इस मरतबा किसको दोगे? कांग्रेस को. सारे लोग कांग्रेस ही हैं यहाँ पे? अच्छा,
सही है। हाँ जरूरी नहीं है कांग्रेस को देना, पर मिजाज अभी कांग्रेस को बना है। अच्छा ये कह रहे हैं कि अभी इनका मिजाज कांग्रेस की तरफ है, लेकिन चूंकि अभी इलेक्शंस को 4-5 दिन और हैं तो इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी और तरफ भी मतलब ये बदला जा सकता है। राइट, जिधर जनता उधर हम लोग। जनता क्या, जनता तुम ही लोगों को, जनता कौन है? आप लोग के साथ हम लोग भी जुड़े जाएंगे। अच्छा, जो बड़े लोग हैं वो ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जो बुनकर लोग हैं जो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं, इनकी राय थी। अब देखिए, जैसा कि मैंने अपने एक पीस में भी लिखा है कि दे आर क्वाइट डिसाइसिव, लेकिन ये कितने डिसाइसिव होंगे विल कम टू नो ऑन द 11th। थैंक यू वेरी मच।